दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको मोटर का कनेक्शन करना सिखाऊंगा। तो दोस्तों ये मेरे पास पानी की मोटर आई है, टेक्समो कंपनी की है, सिंगल फेज की है, 0.5 SP की मोटर है। तो इसका मैं आज आपको कनेक्शन करना सिखाऊंगा, जिसको मैंने आज वाइंडिंग किया इसको। अब इसका मैं आपको कनेक्शन करना सिखाऊंगा। तो इसलिए दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको कनेक्शन करना सिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इसमें दो तो रेड कलर के वायर है और दो ब्लैक कलर के वायर है। देखिए दोस्तों, तो इसमें रेड कलर के रनिंग के वायर है और ब्लैक कलर के स्टार्टिंग के वायर है। ये रेड रनिंग के हुए और ब्लैक कलर स्टार्टिंग के हुए। तो अब मैं इसको आपका वायरिंग करना सिखाता हूँ। तो दोस्तों आपको एक कॉमन वायर बनाना पड़ेगा सबसे पहले। फिर कॉमन वायर बनाने के लिए आपको एक तो रेड को और ब्लैक को आपस में एक जॉइंट बनाना है, आपस में एक करना है, रेड और ब्लैक को आपस में एक करना वायर। देखिए दोस्तों, मैंने इस वीडियो में किया, रेड और ब्लैक को एक वायर किया दोनों को जॉइंट करके। फिर आपको पीछे बसे एक तो ये कॉमन वायर हुआ, पीछे बसे दो वायर, एक तो ब्लैक कलर का और एक रेड कलर का। इसको आपको कैपेसिटर के साथ में कनेक्टेड करना है। कैपेसिटर का आप कोई भी वायर ले सकते हैं, इसमें प्लस माइनस का कोई भी फर्क नहीं होता है। इसलिए मैं आपको एक कैपेसिटर का ब्लैक के साथ में जॉइंट करके बताता हूँ इस वीडियो में। एक मैंने कैपेसिटर का ब्लैक के साथ में जॉइंट किया और एक करता हूँ अपने रेड के साथ में जॉइंट। देखिए दोस्तों, मैंने एक तो रेड के साथ में भी जॉइंट किया और ब्लैक के साथ में जॉइंट किया और एक कॉमन वायर बनाया। अब इसमें मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देख के इस मोटर को चालू करूँगा। तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देने के लिए आपको एक तो कॉमन वायर के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देंगे और एक आप इस पर रेड वायर के ऊपर देंगे इसके ऊपर। चलिए तो मैं आपको इस पर दोनों के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देके बताता हूँ आपको। चलिए दोस्तों, मैं अब इस पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देता हूँ। एक तो कॉमन वायर पे लगाइए वायर और एक आपको रेड वायर के ऊपर ध्यान लगाना, रेड वायर और ब्लैक वायर कैपेसिटर का जो दोनों जॉइंट जॉइंट है साथ में, इस पर लगाना है। तो चलिए देखिए दोस्तों, मैंने इस पर लगाया वायर। देखिए दोस्तों, ये मोटर चालू हो गई है। देखिए दोस्तों, तो इस तरह आप घर पर मोटर का कनेक्शन कर सकते हैं दोस्तों। देखिए तो देखिए दोस्तों, इस तरह आप घर पर मोटर का कनेक्शन कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।